रतलाम में हुई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप विवादों में घिर गई है। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के शुभारंभ के दौरान महिलाओं ने बजरंगबली की मूर्ति के सामने टू पीस में रैंप वॉक और डांस किया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने माफी की मांग की है। रतलाम में जूनियर मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ये आयोजन रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता वाली समिति ने करवाया था। कार्यक्रम की शुरुआत में हनुमान जी का पूजन किया गया। विवाद उस वक्त हुआ जब महिला खिलाड़ियों द्वारा चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए टू पीस में रैंप वॉक और डांस किया गया। हिंदूवादी संगठनों ने महिला खिलाड़ियों के डांस और रैंप वॉक पर आपत्ति जताते हुए कार्यक्रम के आयोजकों से माफी की मांग की है। संस्कृति बचाओ मंच ने कहा कि हनुमान जी के सामने इस प्रकार की अश्लीलता उचित नहीं है, आयोजकों को माफी मांगना चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच जिस प्रकार से रतलाम में एक महिलाओं का बॉडी वेट लिफ्टिंग का कार्यक्रम हुआ, शौर्य प्रदर्शन हुआ, शौर्य श्रेष्ठों का प्रदर्शन हुआ, वो उसमें जिस प्रकार से अश्लीलता परोसी गई है उसका विरोध करता है। मुझे लगता है कि ये समाज में अच्छा संदेश देने का कार्य आयोजकों ने नहीं किया है। इसके लिए समाज से उनको माफी मांगनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।